इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इक्विवेलेंस। ये आपको चार जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्रू ट्रूथ टेबल। तो क्या करेंगे, ये जो आपका एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, इसके इधर इसके ट्रूथ टेबल जनरेट कर लेंगे और इसके ट्रूथ टेबल जनरेट करेंगे। अगर दोनों मैच कर रही है तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। अगर कोई एक रो भी डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो जो है इक्विवेलेंट नहीं होगा। बट इसको हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड का मतलब ये है कि इस पहले क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या दोनों एक्सप्रेशन जो है सेम आ रहे हैं या नहीं, यानी प्रोपोजिशन लॉजिक। तो इसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में एरो ही यूज है, यानी एक पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्या क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। और इसको अगर बूलियन अलजेब्रा के टर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा, पी बार प्लस क्यू हो जाएगा। तो या तो इस फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं या तो इस फॉर्मेट में, बट एक्सपीरियंस ये देखा गया इन दोनों फॉर्मेट में ये ज़्यादा इजी होता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट इट्स टोटली योर चॉइस, आइदर यू कैन यूज़ दिस मेथड और दिस मेथड, इट्स टोटली अप टू यू। तो देखते हैं पहले एक्सप्रेशन। तो पहला क्या है आपका, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू एंड एंड का मतलब क्या हो गया, डॉट बूलियन अलजेब्रा में। ओके, एंड पी इम्प्लाइज आर। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको कर देंगे। और एक चीज़, हाँ, यहाँ अगर देखें तो कई सारे ऑपरेटर्स आएंगे तो उसकी हमें प्रेसिडेंस भी पता होनी चाहिए। सबसे पहला प्रेसिडेंस यानी नंबर वन क्या होता है, ब्रैकेट। सेकंड क्या होता है आपका, नेगेशन। थर्ड क्या होता है, एंड। फोर्थ पे कौन सा होता है आपका, और। फिफ्थ पे होता है इम्प्लीकेशन, और सिक्स लास्ट पे आता है आपका डबल इम्प्लीकेशन। ओके, ये ऑपरेटर है। तो अगर कहीं भी होगा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन नेगेशन, देन एंड, सो ऑन, ये सारा हम जो है सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्या, पी बार प्लस क्यू, पी बार प्लस क्यू एंड पी बार प्लस आर, ये आ गया, विच इज इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ एसोसिएट करेंगे तो क्या आएगा, पी डॉट पी, सेम ही आ रहा, पी डॉट पी आर प्लस पी बार आर, पी बार आर प्लस पी बार क्यू, इसको इसके साथ किया, देन क्यू आर, ये आ गया। अब क्या करना है, कहीं चीज़ कोई कॉमन आ रही है, देख लेते हैं। हाँ, इन दोनों में पी बार क्या कॉमन है, तो अगर पी बार हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया, वन प्लस आर, और इधर कॉमन क्या आ रहा है, क्यू। क्यू कॉमन आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी बार क्यू प्लस क्यू आर, ये आ गया। अब पी बार यहाँ का वन प्लस आर का मतलब क्या हुआ, कि अगर वन के बाद प्लस है, वन का मतलब क्या होता है प्रोपोजिशन लॉजिक में, ट्रू। ट्रू के साथ कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स ओवरऑल वन हो जाएगा। जाएगा पी बार प्लस पी बार क्यू प्लस क्यू आर, ये हो जाएगा वन प्लस आर, वन प्लस एनी थिंग, ये क्या आएगा, रिजल्ट वन ही होगा। ओके, अब इन दोनों में देखो पी बार कॉमन है, तो पी बार अगर करेंगे तो वन प्लस क्यू प्लस क्यू आर, इधर क्या आ रहा है, पी बार, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, प्लस क्यू आर। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन मिला, पी बार प्लस क्यू आर। अब राइट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो राइट को अगर सॉल्व करते हैं, इधर लिखते हैं पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर का मतलब, सॉरी, क्यू एंड आर का मतलब क्या हुआ, क्यू आर। ओके, क्यू आर का मतलब क्या हुआ, ये हो गया। सो पी इम्प्लाइज क्यू आर, तो अब यहाँ क्यू की जगह पे क्या है, पूरा पूरा क्यू आर है, तो इधर हो जाएगा पी बार प्लस क्यू आर, सिंपल। तो देखो पी बार प्लस क्यू आर यहाँ भी आ रहा है, पी बार प्लस क्यू आर यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ट्रू है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ये क्या पी आर ओ आर, दैट मीन पी इम्प्लाइज आर डॉट, क्योंकि ये क्या आपका एंड है, तो डॉट क्यू इम्प्लाइज आर इक्वलेंट पी प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ क्या आपका और दिया हुआ है, इम्प्लाइज आर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका p बार प्लस आर q बार प्लस आर, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा p बार q बार प्लस p बार r, इसको इसके साथ किया, फिर यहाँ क्या आ जाएगा r q बार, देन q बार r प्लस r r, r डॉट r क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। अब क्या आ रहा है इसमें कॉमन, क्या आ रहा है, हाँ, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं पी बार प्लस क्यू बार प्लस पी बार आर प्लस, अगर यहाँ आर कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू बार, सॉरी क्यू बार नहीं, आर कॉमन है यहाँ पे, तो इधर से अगर आर कॉमन, आर अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा क्यू बार प्लस वन,
अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें प्लस वन है तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, वन, तो वो जाएगा यहाँ पी बार क्यू बार प्लस पी बार आर प्लस आर। अब देखो इन दोनों में आर कॉमन है तो क्या हो जाएगा, पी बार क्यू बार प्लस पी बार प्लस वन और आर, चाहे इधर लिखें इधर लिखें बात एक ही है, तो पी बार प्लस वन विच इज इक्वल्स टू वन, तो क्या हो जाएगा पी बार क्यू बार प्लस आर। तो ये एक्सप्रेशन मिला पी बार क्यू बार प्लस आर। तो अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या यही एक्सप्रेशन मिल रहा है, देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, यहाँ क्या है पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब पी बार प्लस क्यू, तो यहाँ क्या है पी प्लस क्यू का होल बार प्लस ये बाहर है, ये क्या हो जाएगा आर, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ क्या लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, यानी पी प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, पी बार इन सारे यानी ये आपका जो प्रोपोजिशन और ये प्रोपोजिशन इनको अलग कर देंगे और जो ऑपरेटर है वो चेंज कर देंगे, यहाँ क्या जाएगा डॉट, देखो एक ही चीज़ आ रही पी बार क्यू बार का मतलब पी डॉट, पी बार डॉट क्यू बार प्लस आर बोथ आर सेम, तो इसका मतलब क्या है ये भी आपका इक्विवेलेंट है। अब देखते हैं थर्ड वन, सो देखते हैं पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, तो पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू इम्प्लाइज आर, फिर पी पी बार प्लस क्यू इम्प्लाइज आर, ये क्या हो जाएगा ये आपका पी, यानी ओवरऑल ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, तो इसका क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा पी बार प्लस क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस आर, ये हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी बार डॉट क्यू बार और इसका बार रहेगा, देखो यहाँ अगर इस तरीके से दिया हुआ है पी प्लस क्यू होल बार विच इज इक्वल्स टू पी बार डॉट क्यू बार, लेकिन यहाँ क्या आपका P की जगह पे P बार है, तो यहाँ P बार और डबल बार हो जाएगा, तो यहाँ क्या है कि इसमें क्या करना है डबल नेगेशन, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस R है, तो डुअल नेगेशन का मतलब ये जाएगा P और ये Q बार प्लस R, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर P को हम दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो P मिल जाएगा, तो इसलिए ये हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है। राइट हैंड साइड में देखते हैं ये क्या हो जाएगा पी बार प्लस क्यू, सॉरी नो नो नो, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले पी बार नहीं क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रेसिडेंट देखा है, तो पहले ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ क्या जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू बार प्लस आर, ये हो गया ओके, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट अब ये क्या पी इम्प्लाइज क्यू प्लस आर क्यू बार प्लस आर, तो क्या हो जाएगा पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर, ये हो गया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर, या दोनों एक ही चीज़ आ रही, नहीं देखो दोनों डिफरेंट आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है पी बार प्लस क्यू बार आ रहा है, यहाँ पी क्यू बार आ रहा है, तो ये दोनों क्या है आपका डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये वैलिड नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब देखते हैं लास्ट वन, सो देखते हैं यहाँ क्या है पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज आर एंड, हाँ ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा आपका पी, सॉरी ये क्या है आपका पी एंड है, तो एंड का मतलब पी डॉट, तो पी डॉट क्यू ओके इम्प्लाइज आर, तो पी डॉट क्यू इम्प्लाइज आर का मतलब क्या आ जाएगा पी क्यू होल बार प्लस आर विच इज इक्वल्स टू पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर, ये हो गया। यहाँ क्या है हमने इम्प्लीकेशन यूज़ किया है इसका रूल, और यहाँ क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है ये आपका डॉट है ये प्लस आ जाएगा और दोनों जो है एक्सप्रेशन अलग हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसको देख लेते हैं, तो चाहे आप इसको सॉल्व करो रिजल्ट दोनों में सेम ही आना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे पी बार प्लस आर और यहाँ एंड है तो डॉट क्यू बार प्लस आर, दोनों को एक साथ मैंने सॉल्व कर लिया, देखो इसका हो जाएगा पी बार प्लस आर इधर हो जाएगा क्यू बार प्लस आर। अब क्या करेंगे पी बार क्यू बार इसको इसके साथ किया और पी बार प्लस आर पी बार आर सॉरी पी बार आर हो गया, यहाँ क्या हो गया आर क्यू बार दैट मीन्स क्यू बार आर प्लस आर। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका पी बार इधर आर आ रहा है, तो इधर से ही ले लेते हैं पी बार क्यू बार प्लस पी बार आर प्लस, अगर इसमें कॉमन करेंगे आर तो क्या हो जाएगा क्यू बार प्लस वन आर, तो ये हो जाएगा वन, तो इधर आ गया पी बार क्यू बार प्लस पी बार आर प्लस आर। अब यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं पी बार क्यू बार प्लस पी बार प्लस वन हो जाएगा, आर हमने कॉमन ले लिया विच इज इक्वल्स टू पी बार क्यू बार प्लस आर, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर आ रहा है, यहाँ पी बार क्यू बार प्लस आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसकी ट्रूथ टेबल जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यानी बहुत टाइम टेक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सॉरी,
ये क्या है आपका, बहुत ही टाइम टेकिंग हुआ। इसमें क्या हो रहा है, हम सिंपली क्या करें, सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, और दोनों को कंपेयर कर लें कि कौन सा नहीं है। तो ये हो गया प्रैक्टिस के लिए, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ गेट के क्वेश्चंस। ओके।